चलिए मैं अपने बर्ड्स को सर्व करके दिखाता हूँ, उनको देता हूँ ये तरबूज। तो देखिए कॉलोनी में ये फ़ायदा होता है कि एक बर्ड उतर जाता है खाने के लिए तो उसको देख के सब बर्ड्स उतरते रहते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान, स्वागत है आप सभी का इंडियन बर्ड्स लवर चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्मियों में बर्ड्स को सीड्स और सॉफ्ट फूड किस तरह का देना है, और आपके बर्ड्स रेस्ट पर भी आ चुके हैं और गर्मियों में आपने ब्रीड लेना भी बंद कर दिया लेकिन अब उनको डाइट देने की ज़रूरत है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बर्ड्स को बचाने के लिए कौन सा सॉफ्ट फूड देना है और कौन से सीड्स देने हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो को आपको पूरा देखना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें बताने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। इंडियन बर्ड्स एंड लवर चैनल में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों गर्मियों में अपने बर्ड्स को वो चीज़ खिलाएं जो कि ठंडी होती है, जिनकी तासीर ठंडी होती है, चाहे वो सीड्स हो या सॉफ्ट फूड हो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सीड्स के बारे में, जो आपको सीड्स खिलानी है मिक्स सीड अपने बर्ड्स को, तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा कंगनी। आप कंगनी खिलाइए और दलिया होता है दलिया भी खिलाइए, दलिया है, जौ है और धान है और जई, ठीक है। ये जो सीड्स हैं कंगनी, दलिया, जौ, धान और जई, इन सब की तासीर ठंडी होती है। और मैं ये जो सीड्स बता रहा हूँ ये सिर्फ बजीज़ के लिए नहीं है, आपके कोई भी बर्ड्स अगर आपके पास हैं, लव बर्ड है, कॉकटेल है और बजीज़ हैं और तमाम किस्म के बर्ड होते हैं उनके लिए है, आप किसी को भी ये सीड्स दे सकते हैं। और सनफ्लावर सीड्स जो हैं आप थोड़े से इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो ऑयली भी ज़्यादा ज़रूरी होता है बर्ड्स के अंदर, और फीमेल को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑयल की, तो वो भी आप दे सकते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है। ये मैं आपको अभी रेशियो बताऊंगा कि किस तरह से क्वांटिटी में देना है ये सब चीज़ें। तो ये बात हो गई दोस्तों जो आपको सीड्स खिलानी है, और अब बात करूँगा जो आपको सीड्स नहीं खिलानी है, ठीक है। तो ये सीड दोस्तों आपको मिक्स सीड्स में बिल्कुल नहीं मिलानी है गर्मी में, और सबसे पहले जो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलानी है वो है अलसी और भांग के सीड्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल 0% ये बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सर्दी की सीड्स होती है और ज़्यादा गर्म होती है, और ये सीड्स जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों ये सब लोग खिलाते हैं, वो है बाजरा। बाजरा दोस्तों आप बर्ड्स को अभी इस वक्त मत खिलाइए क्योंकि गर्मी अब 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और बाजरे की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और अगर आपके बर्ड्स नए हैं, अगर आपने अभी शौक शुरू किया है बर्ड्स अभी आप मार्केट से लेकर आएँ और आप अभी सीड्स में बाजरा मिलाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बाजरा मत मिलाइए क्योंकि बर्ड्स आपको जो बाजरा है वो नहीं खाएगा और उसको बर्ड्स को बाजरा खाने की आदत बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों बाजरा ना देने की वजह यह है कि बाजरा गर्म होता है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बाजरा हर बर्ड्स हज़म नहीं कर पाता, बर्ड्स नहीं बचा पाता। अगर आपका बर्ड्स नया है और आपने नए लाए और आपने बाजरा देना शुरू कर दिया और वो गर्मी में बाजरा खाने लगा है तो वो पचा नहीं पाएगा ठीक से, ठीक है, और उसको मोशन भी लग सकते हैं। और अगर ब्रीड कर रहा है और आपने बर्ड्स के आगे बाजरे सीड मिक्स में बाजरा मिलाया और वो अपने बच्चों को खिला रहा है, तो छोटे बच्चे बिल्कुल भी हज़म नहीं कर पाते बाजरे को, और वो उससे जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो हज़म ना करने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों बाजरा बिल्कुल ना दें, और ये भारी भी होता है और गर्म भी होता है, और इतनी गर्मी में दोस्तों जब बर्ड्स बाजरा खाता है तो उनके जिस्म में बारीक बारीक छाले हो जाते हैं जो कि परों में हमें नज़र नहीं आते बाहर से, और बर्ड्स इचिंग वगैरह करते रहते हैं, एक तरफ बैठे रहते हैं और उनको खुजली होने लगती है, जो वो जो छाले होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो उनके फैदर के अंदर होते हैं, वो हम नहीं देख सकते। और अब बात करेंगे दोस्तों आपके बर्ड्स जो हैं अगर बाजरे को खाते आ रहे हैं, अगर आपके ब्रीडर पैर हैं, पुराने पैर हैं और आपने काफ़ी दिन से पालते आ रहे हैं और आपके बर्ड्स को आदत है बाजरा खाने की, तो आप ऐसा कीजिए, ये रेशियो होगा कि आपने अगर जैसे कि 10 किलो कंगनी ली और 10 किलो कंगनी में सिर्फ 2 किलो बाजरा मिलाएंगे आप, ठीक है, सिर्फ 2 किलो बाजरा, ठीक है, बस इतने ही आपको क्वांटिटी रखनी होगी बाजरे की,
ताकि जो कंगनी है, कंगनी के अंदर जो बाजरा 2 किलो मिक्स होगा वो महसूस ना हो, बस जो आदत है बर्ड्स को वो उसके हिसाब से उसके पेट में चला जाए और बस उसको नुकसान भी ना हो। तो दोस्तों कंगनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, कंगनी खिलाइए आप। अगर आपके बर्ड्स बाजरा भी नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ कंगनी भी खिला सकते हैं, ठीक है। गर्मियों में कंगनी भी चल जाएगी, बस जब सीज़न शुरू होगा उसके बाद आपको मिक्स सीड देना ज़रूरी हो जाएगा और बर्ड इसको आसानी से हज़म कर लेता है। जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत आसानी से हज़म कर लेते हैं। तो कंगनी के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, कंगनी आप खिलाइए, कंगनी में काफ़ी विटामिन्स होते हैं। और दोस्तों ये थी ये सीड्स के बारे में, और अब बात करेंगे सॉफ्ट फूड के बारे में। तो दोस्तों सॉफ्ट फूड वो देना है अपने बर्ड्स को जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पानी वाले जो फ्रूट हैं, जो सॉफ्ट फूड हैं, वो आप दीजिए बर्ड्स को। जैसे कि मैं बताऊंगा वीकली शेड्यूल में आपको सॉफ्ट फूड कौन कौन सा देना है। आपको सबसे पहले गर्मियों में जो है ज़्यादातर आपको बॉइल्ड राइस देने हैं, उबले हुए चावल। ये हफ्ते में 2 बार आप दे सकते हैं, 2 से 3 बार भी दे सकते हैं। तो ये आप बॉइल्ड राइस ज़रूर दीजिए बर्ड्स को। गेहूं को दोस्तों भिगो के देना है पानी में, आप शाम में गेहूं को रख दीजिए पानी में और जब सुबह अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें तो उसको पानी निकाल के आप दे दीजिए। और मूंग दाल के स्प्राउट्स ज़रूर दीजिए दोस्तों, वो बहुत ठंडे होते हैं और स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। और दोस्तों पानी वाले जो फ्रूट हैं और वो मैं बताऊंगा, पानी वाले जिसमें पानी की मात्रा 100% है वो है तरबूज, ठीक है। तरबूज आप खिलाइए अपने बर्ड्स को, तरबूज से जो है बर्ड्स के जिस्म में ठंडक पहुँचती है और पानी की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। जो बर्ड्स दिन भर गर्मी में, अगर आपके केज ऊपर छत पर है। और खीरा दीजिए दोस्तों हफ्ते में 1 बार और 2 बार आप खीरा भी दे सकते हैं। खीरे में भी पानी होता है, वो भी पानी की कमी को पूरा करता है और ठंडा होता है। खीरा खिलाइए। और आप रोटी दीजिए पानी में भिगोकर, 1 दिन रोटी भी खिला सकते हैं आप सुबह में। और ग्रीन लीव्स वाले जो हैं आप पुदीना दे सकते हैं और धनिया दे सकते हैं, ठीक है। ये आप दोनों चीज़ें दे दीजिए, पुदीना आप दे दीजिए 2 से 3 बार और धनिया भी दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी सॉफ्ट फूड। इसी तरह से आप छोटे छोटे पीस कर लीजिए और अपने बर्ड्स को सर्व कीजिए। चलिए मैं अपने बर्ड्स को सर्व करके दिखाता हूँ, उनको देता हूँ ये तरबूज। तो ये मैंने कर दिया है देखिए तरबूज को सर्व अपने बर्ड्स को, और ये भी देख सकते हैं यार दोस्तों अभी। और अभी बस धीरे धीरे ये उतरेंगे, खाना शुरू कर देंगे अभी। ये देखिए दोस्तों ये कितने मज़े से तरबूज को खाने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। देखिए आपके सामने ही मैंने ये सर्व किया है तरबूज, और ये एक एक करके उतर गए। और देखिए कॉलोनी में ये फ़ायदा होता है कि एक बर्ड उतर जाता है खाने के लिए तो उसको देख के सब बर्ड्स उतरते रहते हैं। तो ये देख लेते हैं कि वो चीज़, वो बर्ड जो खा रहा है वो खाने की चीज़ है, और वो उसको भी देख कर खाना सीख जाता है और वो खाने लगता है। आदत जल्दी पड़ जाती है कॉलोनी के अंदर। आप कोई भी सॉफ्ट फूड खिलाइए या कोई सीड्स खिलाइए तो कॉलोनी में ये फ़ायदा है कि बर्ड्स जल्दी सॉफ्ट फूड खाना सीख जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल का। जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरे वीडियो का, हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।